सबको जय मसीह। परमेश्वर नाम की महिमा हो। आज इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का इस सुंदर अवसर पर आप इतना लोग यहाँ मीटिंग में आ चुका है, बहुत आश्चर्य की बात है। पिछले साल जो आया था इतना लोग नहीं था, इस बार तो बहुत लोग आ गया है। हम सबसे पहले मैंने सोचा इस कलीसी में आ जाएंगे, वही यहाँ आने में पिछले बार भी मैंने बोला यहाँ आने के बाद बहुत ऊर्जा मिल जाता है, ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे। आज आप पूरा टीवी खोलकर पूरा देख लीजिए, दुनिया पूरा सबसे ज्यादा लोग जो सेलिब्रेट करने वाला जो फेस्टिवल है क्रिसमस। क्रिसमस का एक और एक प्रत्यागता है, क्रिसमस के 5 दिन के बाद नया साल शुरू हो रहा है, इसलिए एक साल हम लोग से पार कर चल जा रही है, तब नया एक साल तो आ रही है। अब ये पिछले एक साल में परमेश्वर ने हम लोग को कितना जो मदद किया है, कितना सहायता किया है, क्या क्या रास्ता पर परमेश्वर ने हम लोग को चलाया है, उसको धन्यवाद करने के लिए भी एक दिन है क्रिसमस का दिन। समझ में आया कि नहीं? पिछले एक साल परमेश्वर ने आपको संभाला या नहीं संभाला है, तो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा एक मौका है ये क्रिसमस का दिन। तो आज का जो दिन है परमेश्वर का, जो पृथ्वी में उनका जो जन्म हुआ है, उसके लिए हम लोग क्रिसमस का रूप से क्या कर रहा है, मना रहा है। इसलिए दुनिया में कई कोना कोना में कई लोग प्रभु का जन्मदिन का क्या कर रहा है, मना रहा है। उसके साथ आप लोग भी, क्या आप लोग के पास खुशी नहीं है? तो ठीक है, मैं प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में जन्म होने का कारण क्या है, इसका विषय पर मैं एक दो शब्द आपको बता दूंगा, इसके बाद मैं जल्दी बैठना चाहता हूं। कारण ये है, मुझे दूसरा जगह भी जाना है, इसलिए है हम लोग को ना ये लाउड स्पीकर के लिए अनुमति नहीं है, इसलिए इतना छोटा माइक लगाया, नहीं तो देखिए केवल मसीह के लोगों को केवल एक साल में केवल एक ही त्योहार है, ठीक है। मसीह लोग के लिए केवल एक ही त्योहार है, जो मसीही मतलब कोई एक धर्म नहीं है। आप सबसे पहले समझिए, ये कोई धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मानने और उसको पूजा और प्रार्थना करना कोई किसी एक धर्म का व्यक्ति का अधिकार नहीं है। सबसे पहले ये समझिए, हम लोग कोई धर्म का प्रति यहां इकट्ठा नहीं हुआ है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग कोई धर्म का प्रतिनिधि नहीं है, कोई धर्म का प्रचार करने के लिए हम आया नहीं है, कोई एक प्रत्येक धर्म के लिए पूजा पाठ करने के लिए नहीं आया। फिर किस लिए आया? हम लोग मसीह को आराधना करने के लिए, उसको पूजा करने के लिए, उसको प्रार्थना करने के लिए आया है। और दुनिया में कई लोग जो कर रहा है उसके साथ हम लोग भी कर रहा है, समझ में है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, जो क्रिसमस का दिन सरकार का जो निर्णय ले चुका है, किसी को कोई लाउड स्पीकर अलाउ नहीं करना है। समझ में है कि नहीं? पेपर में आप पढ़ लिया कि नहीं? पेपर में पढ़ा कि नहीं? इसीलिए इतना छोटा माइक लगाया। इतना छोटा माइक लगाने के कारण से मेरा आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए तो मैं कितना जोर से चिल्लाना पड़ेगा, समझे ना? उन्होंने बाइबल में कोई भी धर्म के विषय पर लिखा हुआ नहीं है। मत्ती का सुसमाचार उसका लास्ट जो वचन में जो लिखा हुआ है, आप सारे सृष्टि के पास जाओ, पृथ्वी का कोना कोना तक जाओ, सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, उनसे कहो आप मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आओ। उसी में कोई धर्म के विषय पर लिखा है? जो मन फिर आकर अपना गलत छोड़ दो, पाप छोड़ दो और परमेश्वर के पास लौट आ जाइए, ये बोलेगा तो कोई गलत होता है? बोलिए आप लोग, कोई गलत नहीं है।
जितना लोग जहां जो बैठने वाला है, मैं मुझे मालूम है आपको किसी किसी प्रकार से कोई भी फायदा आपको मिल गया। कैसे? आपका परिवार में शांति मिल गया, आपको परिवार में समाधान मिल गया, आप बीमार में था आपको छुटकारा मिल गया, आप कई प्रकार का भूत प्रेत पिशाच से आप लोग परेशान में था आपको छुटकारा पा गया, इसलिए आप लोग यहां आ गया, नहीं तो आप नहीं आया होता। आपके घर में कोई भी समस्या नहीं रहेगा, आप इधर आएंगे प्रार्थना के लिए। बोलिए आप लोग, आपको कोई ना कोई प्रकार का समस्या है, बहुत बीमार हुआ, बीमार में आप लोग पड़ गया है, दुख में पड़ गया है, और फिनेंशियली आर्थिक स्थिति से आप लोग कमजोर हो गया है, कई प्रकार का आपका दिक्कत हुआ है, इसलिए आप लोग प्रार्थना को आया, नहीं तो आप प्रार्थना को आने का कोई जरूरी, या आने के बाद छुटकारा जो प्राप्त किया लो हाथ उठाकर एक हालेलुया बोल दीजिए। इतना लोग, जितना लोग है इतना लोग जो छुटकारा पाया। एक ऑपरेशन करने में अस्पताल में कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और कोई भी एक लोग को मैंने पिछले बार यहां आने के बाद मुलाकात हुआ था, उनको कैंसर था, वो कैंसर से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, छुटकारा दे दिया। आप कभी भी सुना है कोई कैंसर जो हुआ है उनका जिंदगी में छुटकारा मिला, आप कभी भी सुना है? लेकिन मसीह के पास आने के बाद उनको क्या मिल रहा है, जो जिसको छुटकारा मिल गया है वो तो आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा और हल्लेलुया बोलेगा, भजन गाएगा, ताली बजाएगा, नाचेगा, सब कुछ करेगा। जो जिसको छुटकारा नहीं मिला है वो बुराई करते, सही है मेरा बात? लेकिन मेरा भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मेरा अनुभव है। क्या है? मैं बीमार में था, मैं रोग में था, मेरा घर में शैतान परेशानी में था, मैं आर्थिक स्थिति में मैं कमजोर हो गया था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं प्रभु के पास आ रहा हूं, नहीं तो प्रभु के पास आने के लिए मुझे कोई जरूरी नहीं था, कोई जरूरी था। यहां आपसे गवाही पूछेगा तो एक साल यहां खड़ा होकर गवाही बोलने के लिए आपके पास है, उतना गवाही आपके पास है, गवाही है कि नहीं? तब हम लोग को जो छुटकारा मिलेगा, मिल गया तो हम लोग चुपचाप कैसे बैठेंगे, बोलिए? नहीं बैठेंगे। हम लोग को जो बीमार हट गया, परमेश्वर ने हम लोग को छुटकारा दे दिया, परमेश्वर हमारा परिवार में शांति दे दिया, परमेश्वर मेरा परिवार में समाधान दे दिया, मैं कितना दिन चुपचाप कर बैठेंगे? इसलिए आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आया है, इधर कोई दूसरा कोई काम के लिए नहीं आया, प्रभु ने मुझे बचा लिया, मैं मृत्यु का दंड में था, मैं परेशानी में था, मैं रोग में था, मैं पीड़ा में था, मैं कई प्रकार का समस्या में था, वो समस्या से प्रभु ने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, इसलिए आप लोग आया। एक साल हम लोग से पार कर जा रहा है 2022, अभी 4-5 दिन केवल बाकी है। पिछले एक साल में परमेश्वर ने आपको कितना मदद किया, मुझे परमेश्वर ने बहुत मदद किया, इसलिए ये महीना का जो लास्ट दिन क्रिसमस का दिन और न्यू ईयर का नया साल में हमारा जिंदगी में कितना परमेश्वर ने हम लोग को जो आशीष और आशीर्वाद और अनुग्रह दिया उसको धन्यवाद देने के लिए एक अच्छा एक अवसर है। ठीक है, हम जल्दी भजन में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी में आने का उद्देश्य क्या है, इसका विषय पर एक दो शब्द में आपसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का जन्मदिन के पहले स्वर्गदूत कुछ कहने शुरू कर दिया। क्या कहा? स्वर्गदूत ने कहा, सारे सृष्टि को होने वाला एक बड़ी एक खुशी में आपको बताने जा रहा हूं। क्या खुशी है आप बोलिए, उसमें क्या लिखा है? सारे पृथ्वी को, सारे सृष्टि को जो होने वाला एक बड़ी एक खुशी के बाद मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। क्या खुशी है? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जन्म लिया है। कौन जन्म लिया?
प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जन्म दिया, वो एक उद्धार करता है। प्रभु का सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह किसी एक पार्टी का नेता नहीं है, किसी एक धर्म का नेता नहीं है। उन्होंने हमको एक मार्ग दिखाया। कौन सा मार्ग है? उन्होंने कहा आप अपना दुश्मनों को प्यार करो। आप इतना लोग यहां बैठ रहा है, कोई विरोधी आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे? दो लोग आए तो भी आप क्या करोगे? उनसे प्यार करेंगे। मारपीट करने के लिए हमारा आदत नहीं है। बोलिए, क्या आप मारपीट करेंगे? नहीं करना चाहिए, यह हमारा सिद्धांत में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात हम लोग को सिखाया नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई झगड़ा करने वाला नहीं है। 10 लोग इकट्ठा करेगा, 1000 लोग इकट्ठा करेगा। कोई भी व्यक्ति को बाहर आकर हमारा प्रार्थना में बैठ कर प्रार्थना और आराधना कर सकता है। कारण क्या है? प्रभु ने हम लोग से कहा आप अपना दुश्मन को प्यार करो और उनको मदद करो। आप उन लोग हम लोग को जो को किसी तरह से परेशानी करेगा उन लोग के लिए प्रार्थना करो। उनसे गाली बोलने के लिए हम लोग अनुमति, बोलिए, गाली बोलने के लिए अनुमति है? झगड़ा करने के लिए अनुमति है? कोई आपको परेशान करेगा आप उनके लिए प्रार्थना करिए। यही हमारा सिद्धांत। तब ने सबसे पहले मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है। उद्धार करता मतलब क्या है? इंग्लिश में जो लिखा है सेवियर लिखा हुआ है। उद्धार करता मतलब क्या होता है? वो हमारा हम लोग कोई भी पाप में डूब गया है, कोई परेशानी में डूब गया है, उसी से हमको मुक्ति देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। मैंने कितना लोग आप लोग यहां बैठ रहा है, आपको कई प्रकार का समस्या होगा। आप लोग बहुत परेशानी में यहां बैठने वाला लोग होगा, लेकिन ये क्रिसमस का दिन मैं आपको ये कहना जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है। उद्धार करता कैसे हो गया? मानव जाति को परमेश्वर ने जो सृष्टि किया, किस लिए सृष्टि कर दिया? मानव जाति को सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक लोग चाहिए। प्रभु ने कहा, सोचा सभी लोग मेरे अब आज्ञा और पालन करके रहना है, लेकिन उन लोग क्या कर दिया? परमेश्वर से दूर हो गया, अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? मारपीट कर झगड़ा कर दूसरा गलत कर उन लोग परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। आप एक बात बताइए, कोई भी जरूरी पड़ेगा तब हम लोग पूजा और प्रार्थना करेगा, जरूरी नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं करेगा। केवल ये गांव में केवल इतना ही लोग है, केवल ये जिला में केवल इतना ही लोग है, नहीं। लेकिन जिसको जिसको कई कई दीदी से परेशानियां हैं, पिछले दिन कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मुझे कहा, मुझे प्रार्थना जाने के लिए कुछ लोग रुकवा दिया। मैंने इनसे सीधे पूछा मैं प्रार्थना को नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक पागल व्यक्ति था, मैं रोड पर घूम रहा था, मेरा जिंदगी में पूरा पागल हो गया, मेरा परिवार मुझे निकाल दिया। मैं रोड पर घूम रहा था, भीख मांगकर खा रहा था, लेकिन मैं प्रभु के पास आ गया। मुझे क्या हो गया? मेरा पागल जो हो गया, मेरा दिमाग परमेश्वर ने सही कर दिया। मैंने इसलिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपको मालूम है परमेश्वर का ये काम यही है, जो दुनिया क्या सोचेगा वो परमेश्वर ने नहीं देखता है, दुनिया क्या देखता है वो परमेश्वर ने नहीं देखता है। उन्होंने क्या कर दिया? पागल लोगों को पकड़ लिया और मछली वालों को पकड़ लिया, उनको क्या कर दिया? अधिकार दिया, गांव गांव घूमो, नगर नगर घूमो, सबको छुटकारा दे दो, प्रार्थना करो, आराधना करो। उनके कलीसिया में हजारों लोग आ रहा। इतना पढ़ा लिखा का जरूरी नहीं है भाई साहब। कैसे? आदमी लोगों को छुटकारा मिलने के बाद घर में बैठने के लिए मन अनुमति नहीं देता। यहाँ एक आंटी जी हमारा वहां काम करती है, हर शनिवार को अली संडे को सुबह इनको कुछ काम करने के लिए बुलाया तो ये नहीं आ रही है। उनका मन पूरा कहाँ है? मुझे कलीसिया जाना है।
पास्टर जी ने आज बताया, हम लोग इतना लोगों को सोचा नहीं था आएंगे, लेकिन आपको घर में बैठने के बाद आपका मन में अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कलीसिया जाना है, हमको कलीसिया जाना है, हमको प्रार्थना करने जाना है, हमको गीत गाना है, पास्टर जी वहां से भजन सुनना है, वहां जाकर प्रभु के लिए महिमा करने के लिए मुझे घर में बैठने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए ना आप लोग आया है, खाने पीने के लिए आया है। बोली जितना लोग यहाँ बहुत बहुत नाचता है, डांस कर रहा है, आप लोग खाने के लिए आया है? मीटिंग के बाद पूरी मिलेगा, सब्जी मिलेगा और मीठा मिलेगा, वो खाने के लिए आप लोग आया है? बोलिए नहीं आया है। फिर किस लिए आप लोग आया? घर में बैठने के बाद पायर पायर बोल रहा, चलो कलीसिया में चलो, घोषणा करने चलो, आराधना करने चलो, मुझे इधर बैठने के अच्छा नहीं लग रहा, बैठने के लिए उधर जाइए, हम लोग नाचेंगे गाएंगे, इसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको घर में बैठ नहीं बैठ पा रहा। मैं भी सोचा मेरा ऊपर बहुत दबाव आ गया, मैं भी सोचा मैं घर बैठे, मैंने बोला हम नहीं आएंगे, आप अपना से चला दीजिएगा, लेकिन सुबह में कल रात में सुबह में 6 बजे रात में 1 बजे मैंने सोया, वीडियो बनाकर एडिट करकर ने बस 1 बजे सोने के बाद, अब सुबह में उठने के बाद मेरा मन बोलने शुरू कर दिया, ब्रजेश पास्टर का चकलीसी में चले ओ भाई, मेरा वाइफ ने कहा, पत्नी ने कहा, हम लोग मुगलसराय चले, साल में 1 बार एक त्योहार हो रहा है, चलिए मुगलसराय कलीसिया में चले प्रार्थना करने के लिए। मैंने बोला नहीं, आप आज कहां भी मत जाओ, आप यहां बैठो, दूसरा दिन हम लोग कलीसिया जाने तो जाएंगे, लेकिन आज हम ब्रजेश पास्टर के पास जाएंगे, इसके बाद चंदूराम में जाएंगे, इसके बाद बरंगा में जाएंगे, इसके बाद दूसरा जगह जाएंगे, मेरा पायर अनुमति नहीं दे रहा घर में बैठने के लिए, चलिए ये बात होता है। जितना लोग यहाँ बैठ रहा है भाई साहब, आपको इतना लोगों के लिए नहीं सोचा है, पास्टर जी ने बोला कम लोग आओ मतलब बहुत परेशानी है, लेकिन आपको घर में बैठने में का समय पर 8 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, माइंड बोलने शुरू कर दिया, कलीसिया चलो वहां जाकर प्रार्थना करो, आराधना करो, रास्ता में रुकने वाला बहुत लोग है, दबाव है, आप मत जाइए, प्रार्थना मत करिए, अब ऐसे मत करो, उधर मत जाओ, लेकिन हमारा मन अनुमति नहीं दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे, जिसको जिसको छुटकारा मिलेगा चुपचाप नहीं बैठेगा, बैठेगा जिसको जिसको छुटकारा मिलेगा, वो कोई भी पार्टी जीत जाने के बाद कितना डांस कर रहा, आप लोग टीवी में देखा होगा, बीजेपी जीत जाने के लिए, कांग्रेस जीत जाने के लिए, बोले हमारे यहाँ का जो विधायक जो जीतने के बाद इतना डांस कर नाच कर बाजा बजाकर सब लोग गाँव गाँव नगर गाँव घूम रहा है, घूम रहा कि नहीं, ऐसे तो उसने उससे बड़ा हमारा जिंदगी परमेश्वर ने बचा लिया, तब कितना डांस करना पड़ेगा भाई। हम लोग मैं पिछले मई महीना में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मैं जो चला रहा था गाड़ी रास्ता पर क्या है उल्टा हो गया, इधर घूमने का जगह पर उधर घूम लिया गाड़ी, एक बड़ा ट्रक आकर इतना तेज से आकर ब्रेक मार दिया, थोड़ा सा और हो गया होता मेरा गाड़ी पूरा लड़ गया होता, मैं और मेरा पत्नी दो तीन बच्चा और मेरा भाई का पत्नी और उनका तीन बच्चा, एक ही टाइम में, छोटा सा गाड़ी था, एक टाइम में खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ आकर ब्रेक मार दिया, ये ट्रक का पीछे 4 गाड़ी आकर लड़ गया, लेकिन मेरा शरीर में एक रोम से भी कुछ नहीं हुआ। ट्रक से आदमी उतरने के बाद कहा, अरे भाई आपको भगवान ने बचा लिया है, मैं कितना धन्यवाद करूं, मैं कितना घर में बैठूं, मेरा सिर का ऊपर ट्रक आकर वो चलने वाला था, मेरा शरीर पूरा ट्रक जो छक्का मेरा ऊपर चलने वाला था, मैं परमेश्वर ने मुझे इतना वो मदद किया, मेरा जिंदगी मेरा परिवार का जिंदगी मेरा बच्चों का जिंदगी परमेश्वर ने बचा लिया, मैं क्या करूं भाई, बोलिए मैं क्या करूं, मैं कितना दिन मेरा घर में चुपचाप कर बैठेंगे, आप मुझे समझाइए, आप मुझे धमकी दीजिए, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे गोली मार दीजिए, आप मुझे जेल में बंद करवा दीजिए, लेकिन मैं क्या करूं, परमेश्वर ने मुझे इतना मदद किया, इतना सहायता किया, मैं क्या करूं भाई, मेरा जिंदगी से बड़ा दूसरा कुछ नहीं है, मेरा जिंदगी तो छोड़ दीजिए, मेरा परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया, मैं क्या करूं, मैं कितना दिन घर में बैठूं, मैं अपना जो खुशी के बाद परमेश्वर ने मेरा जिंदगी में जो छुटकारा दिया, मैं किसी से नहीं कहेगा, मैं एक तरफ से धोखा दे रहा,
जितना लोगों जो छुटकारा दिया, अगल बगल पड़ोसी सबसे से बोलना चाहिए। नहीं बोलेगा तो आप अपना से धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है कि नहीं, बोलिए। अरे आपका अगल बगल में गांव गांव में कई लोग परेशान वाला है, आप बोलिए मेरा साथ चलिए, वहां वहां प्रार्थना हो रहा है, चलिए छुटकारा मिल जाएगा, मैं गारंटी हूं, आप आइए। तो कितना लोग छुटकारा मिल गया, आप अपना से बोलने शुरू कर दीजिएगा, समय बताएं। और मैंने एक ही बात बता दिया है, मैं इतना बोला प्रभु ने क्या हो गया हमारे लिए एक उद्धार करता है। इसके बाद दूसरा, जितना लोग जो यहां बैठ रहा है, मैं भी यहां आकर प्रचार कर रहा है, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य बोलिए, आप क्यों प्रार्थना को आया है, क्या नाम है आपका? सीधा, ये सीधा बहुत अच्छा गाना गाती है, इनका 4-5 वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया, ताले दोलक बजा दो भैया ना, अब वहां पिछले बार आकर दोलक बजाए आप ना, ये बहुत अच्छा गाना गाती है, इसका 4-5 वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया, दोलक भी बजाती है, नहीं तो दोलक दीजिए आपको दिखाएंगे कि कैसे बजाएंगे, बहुत अच्छा से दोलक बने। मैं आपको केवल इतना ही बोलना है, आप लोग इधर आकर बैठने का मतलब क्या है, बोलिए कोई मतलब है? हाँ बोलिए। देखिए मुझे अभी 42 साल है, 42 है ना, 42 पार हो गया, 43 हो गया, मैं कितना दिन और जिएंगे ये पृथ्वी में बोलिए, मालूम नहीं कब मर जाएगा, फिर भी एक नॉर्मल तरीके से बोलेगा तो 30 साल और रहेगा, सही है ना, सही है, 30 साल 40 साल और रहेगा, इस 40 साल के बाद क्या होगा बोलिए भैया आप लोग, 40 साल के बाद क्या होगा, मर जाएगा, मरने के बाद हमारा आत्मा कहां पहुंचेगा, कैसे मालूम है ऊपर पहुंचेगा, ये बोलिए कैसे मालूम है हम लोग को मोक्ष मिल जाएगा, दुनिया पूरा समय जिंदगी पूरा गलत करो पाप करो इसके बाद मोक्ष मिलेगा, कैसे आपको कौन आपको समझाया इसे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो ये पृथ्वी में रहकर हम लोग कुछ काम करना पड़ेगा भाई साहब, उसके लिए यहां आया है, अपना गलत छोड़ना है पाप छोड़ना, इसलिए यीशु ने कहा मैं आपको आनंद जीवन देने के लिए आया है, आनंद जीवन मतलब हम जो मृत्यु होने के बाद हमारा आत्मा कभी भी नहीं मरेगा, आत्मा क्या होगा परमेश्वर के पास जाएगा, जाने चाहिए तो क्या करना चाहिए, पृथ्वी में रहकर हम लोग क्या करना चाहिए, कुछ सही से काम करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी आने का एक उद्देश्य मैंने बता दिया, मैं उद्धार करने के लिए आया, जो पापियों का व्यक्ति क्या कर दिया परमेश्वर से दूर हो गया, उनको उद्धार करने के लिए प्रभु ने आया, दूसरा मैं आपसे बोलना चाहता हूं वो आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए आया है, ये सारे पृथ्वी आपने पकड़ लिया, सुनिए मेरा बात, ये सारे पृथ्वी आप लोग पकड़ लिया, आपके पास धन है संपत्ति है सब कुछ है, लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, आपके लिए क्या लाभ होगा बोलिए, पैसा कमाने के लिए यहां आया है बोलिए, दूसरा कोई काम के लिए नहीं आया, प्रभु ने कहा मैं ये पृथ्वी में आने का एक उद्देश्य यही है, मैं आनंद जीवन आपको देने के लिए आया है, आप मुझे बताइए आप कितना लोग विश्वास है यदि मृत्यु के बाद मेरा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, कितना लोग को विश्वास, उन लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए, सबको है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मन से कितना लोग स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मन से कितना लोग स्वीकार किया, ये प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं उनसे छुटकारा पा चुका है, मैं मेरा गलत उनसे बोल दिया, मैं क्षमा मांग लिया है, मुझे मुक्ति मिल गया, मैं एक प्रभु का व्यक्ति हूं, मैं मसीह का व्यक्ति हूं, कितना लोग का बोल सकता मैं मसीह का व्यक्ति हूं, देखिए इतना लोग जो कहा मैं मसीह का, मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं केवल आपको इतना ही बोलना चाहता हूं, और कई लोग और प्रचार करने के लिए,
मेरा शब्द आप मत देखिए, मेरा जो मैंने जो जैसे बात करता वो उसका ताकत आप मत देखिए, आप प्रभु का शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए आप लोग यहां आया। और आज का यो ये क्रिसमस दिन में मैं आपको एक और एक बात बताना जा रहा हूं, प्रार्थना आप करिए। ये पादरी साहब आपको कोई मंत्र तंत्र विद्या सिखाया है? आप भूत प्रेत पिशाच पकड़कर यहां आया था, ये पास्टर जी कोई मंत्र तंत्र विद्या आपसे बोला है? मैंने जैसे बोलता वैसे बोलते रहो ऐसे बोला है? नहीं है ना। ये पास्टर जी ने केवल क्या किया है? केवल क्या किया, इसके बाद दुष्टात्मा से पूछा तुम कहां से आए हो, वहां से लौट जाओ, ये ना बोला है, तुम कहां से आया है वहां वापस चल जाओ, यहां तुम्हें रहने कोई स्थान नहीं है, ये प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह का जगह है, ये प्रभु का नाम सुनेगा तो तुम क्या हो जाएगा, कांप जाएगा, तुम डर जाएगा, इसलिए यहां से निकल जाओ, भाग जाओ यहां से, वही ना बोलता है, दूसरा कुछ नहीं बोलता है। आपको मंत्र तंत्र कुछ नहीं सिखाया, हाथ ऐसे उठाओ, ऐसे करो, इसे करो, ये नहीं बोलता है, बोलता है तब ये प्रार्थना एक ताकत है, प्रार्थना एक शक्ति है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों साऊ लोग प्रार्थना करिए, अगले साल अपने लिए एक व्यवस्था हो जाएगा और प्रार्थना हो जाएगा। इसलिए आज का जो क्रिसमस का दिन, परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे। और ये कलीसिया के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे। मुझे ऐसे एक अवसर दिया जो पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देकर मैं अपना बात को विराम करना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह।